हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिख के सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जब आपको 20 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ाए गए थे तो लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल के करंट अफेयर। तो कल का आपका पहला टेस्ट था, किस देश ने अपना पहला उपग्रह रावण फर्स्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी हाल ही में अपना पहला उपग्रह रावण फर्स्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, और कहां से लॉन्च किया है? तो अमेरिका से लॉन्च किया है। नेक्स्ट टेस्ट था आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है प्रदीप नंद्राजोग। इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल के करंट अफेयर। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर वरुण 2019 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा? तो उस देश का नाम है फ्रांस। हमारा भारत अभी हाल ही में फ्रांस के साथ मिलकर वरुण 2019 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वरुण 2019 नौसैनिक अभ्यास ये कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये मई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और वरुण नौसैनिक अभ्यास के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नौसैनिक अभ्यास है ना, ये 1983 से भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसे वरुण नाम 2001 में दिया गया। अब यहाँ पे आपको 2 बातें मालूम होनी चाहिए, फ्रांस के बारे में और गोवा के बारे में। फ्रांस के बारे में पहले नोट करिए, देखिए ये दिमाग दे रही है यहाँ पे, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं एड्रोड फिलिपी। गोवा के बारे में नोट करिए, देखिए ये जो छोटा सा मार्क दे रही है यहाँ पे, गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा। और गोवा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीट है 40। और गोवा का फेमस फोक डांस है फुग्गी। और गोवा का फेमस नेशनल पार्क है भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलियम नेशनल पार्क। और गोवा के बारे में जब भी आपको बताया जाता है, एक बात और आपको बताई जाती है कि गोवा लिबरलाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो गोवा मुक्ति दिवस है 19 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को जो गोवा है वो पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में नया भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है जयदीप सरकार। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जयदीप सरकार, जिन्हें अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और जयदीप सरकार के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात मालूम होनी चाहिए, ये 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, और प्रेजेंट में ये भूटान में भारत के राजदूत हैं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इनसे पहले, जयदीप सरकार से पहले दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त कौन थे? तो उनका नाम है रुचि घनश्याम। ये इनसे पहले दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त। दक्षिण अफ्रीका के बारे में नोट करिए, देखिए ये जो मार्क दे रही है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका कैपिटल है केप टाउन। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट है क्रिल रैमफोसा। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है यूसुफ हामिद। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये है यूसुफ हामिद,
जिन्हें अभी हाल ही में ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हमारे भारत के एक वैज्ञानिक है। देखिए जो यूसुफ हामिद है ना, ये सिप्ला कंपनी के चेयरमैन है। सिप्ला कंपनी जो कि एक दवाएं बनाने की कंपनी है, उसके ये चेयरमैन है। और यहाँ पे ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का नाम आया तो इसके रिलेटेड आपको कल एक क्वेश्चन पढ़ाया गया था, वो भी आपको याद होना चाहिए कि गगनदीप कांग को, देखिए जो गगनदीप कांग है ना, ये ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। ये भी बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। ब्रिटेन के बारे में नोट करिए, देखिए जो मांग दे रही है यहाँ पे ब्रिटेन, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखी कविता खूनी वैसाख के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब किस देश में जारी की गई है, तो उस देश का नाम है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो कविता लिखी गई है खूनी वैसाख, इसके अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब UAE में लॉन्च की गई है। और वो आपको मालूम होना चाहिए ये जो खूनी वैसाख की अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक है, ये UAE में किसने लॉन्च किया है, तो देखिए जो UAE में हमारे भारत के राजदूत हैं नवदीप सिंह सूरी, इन्होंने इस पुस्तक को UAE में लॉन्च किया है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी नवदीप सिंह सूरी ने ही किया है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि खूनी वैसाख कविता के लेखक कौन है, तो उनका नाम है नानक सिंह। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, देखिए ये है नानक सिंह और ये है नवदीप सिंह सूरी जिन्होंने इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद किया है। देखिए ये जो नवदीप सिंह सूरी है ना, ये नानक सिंह सूरी के पोते हैं। ये भी बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और ये भी बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये UAE में हमारे भारत के राजदूत है। UAE के बारे में नोट करिए, देखिए ये जो बात दे रही है यहाँ पे UAE, UAE की कैपिटल है अबू धाबी, UAE की करेंसी है दिरहम, UAE के प्रेसिडेंट है खलीफा ज़ियाद अल नहयान और UAE की प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश पर 1,76,000 यूरो का जुर्माना लगाया है, तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान पर 1,76,000 यूरो का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना क्यों लगाया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान पर ये जुर्माना प्रो लीग कमिटमेंट को पूरा ना करने के कारण लगाया है। यहाँ पे आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और पाकिस्तान के बारे में। पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लोसाने में है स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है थैरीवेल, इसके प्रेजिडेंट है नरेंद्र बत्रा। पाकिस्तान के बारे में नोट करिए, देखिए ये जो बाघ डेरी है यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रुपी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है अरीफ अलवी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एशिया चाय गठबंधन शुरू किया गया, तो उस देश का नाम है चीन। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि चाय उगाने वाले और खपत करने वाले देशों का एक संघ बनाया गया है जिसे एशियाई चाय गठबंधन नाम दिया गया है। और एशियाई चाय गठबंधन के हेडक्वार्टर को चीन के गुझोऊ में स्थापित किया गया है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि एशियाई चाय गठबंधन जो ये संघ बनाया गया है इसके कितने देश मेंबर है, तो इसके 5 देश मेंबर है। ये 5 देश कौन कौन से है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिये पहला तो है चीन, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है जापान, चौथा है इंडोनेशिया और पांचवा है हमारा भारत। तो 5 देश एशियाई चाय गठबंधन के मेंबर हैं। चीन के बारे में नोट करिए, देखिए ये जो मार्क दे रही है यहाँ पे चीन, चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने छोईफेल कुंडलिंग मठ का पुनः निर्माण कहाँ किया है, तो उस देश का नाम है नेपाल। अभी हाल ही में हमारे भारत ने नेपाल में छोईफेल
कुंडलिंग मठ का निर्माण किया है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए ये छोई फेल कुंडलिंग मठ है, ये नेपाल में कहाँ है, तो ये नेपाल के सिंधु पालचोक जिले में है। कहाँ पे है? सिंधु पालचोक जिले में। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इस मठ की स्थापना कब हुई थी, तो इस मठ की स्थापना 1946 में हुई थी। नेपाल के बारे में नोट करिए, देखिए जो मार्क दे रही है यहाँ पे नेपाल, नेपाल की अपने लग काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी, नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है खड़का प्रसाद ओली। अगला क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में भारत का नेतृत्व कौन करेगा, तो उनका नाम है मीराबाई चानू। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है मीराबाई चानू, जो कि अभी हाल ही में जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप होने वाली है उसमें हमारे भारत का नेतृत्व करेंगी। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि मीराबाई चानू एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये 49 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट करेंगी हमारे भारत की तरफ से। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो ये चीन के निगबो में आयोजित की जा रही है। तो इतनी इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कितने समुद्री जहाज अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगे, तो इसका आंसर है दो। देखिए अभी हाल ही में क्या होगा कि भारतीय नौसेना के दो समुद्री जहाज अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगे। ये दो समुद्री जहाज कौन कौन से, इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला है INS कोलकाता और दूसरा है INS शक्ति। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये चीन के किंगदाओ में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? चीन के किंगदाओ में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भारतीय नौसेना का नाम आया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के प्रेजेंट में चीफ कौन है, तो उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। और देखिए जब 31 मई को एडमिरल सुनील लांबा रिटायर हो जाएंगे तो इनके बाद कौन होंगे हमारी भारतीय नौसेना के चीफ, तो उनका नाम है करमवीर सिंह। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के निर्देशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है शायरी चहल। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है शायरी चहल, जिन्हें अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम आया, तो आपको मालूम होना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी, लेकिन पेटीएम की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो इसके एमडी और सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेटीएम के सीईओ कौन है, तो उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। देखिए जो क्रिस्टीना कोच है ना, ये सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला बनी है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितने दिनों तक इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, तो ये 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना रही हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है क्रिस्टीना कोच। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इनसे पहले महिलाओं में सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किन्होंने बनाया था, तो उनका नाम है पैगी विंसन। इन्होंने क्रिस्टीना कोच से पहले अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही थी, तो ये 288 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। तो इतनी इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के सभी पेट्रोल पंप कैशलेस हो गए हैं, तो उस शहर का नाम है गुवाहाटी। ये क्या हुआ कि गुवाहाटी में सभी पेट्रोल पंप जो है वो कैशलेस हो गए हैं। इसी के साथ जो गुवाहाटी शहर है ना, ये हमारे भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ के सभी पेट्रोल पंप कैशलेस हो गए हैं।
उसके बाद आपको मालूम ही होगा कि ये गुवाहाटी शहर कहाँ पे है, तो ये असम में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 21 अप्रैल के करंट अफेयर। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि लास्ट में दो क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। पहला टेस्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर है। इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा देश पहले स्थान पर है। उसके बाद आपको ये भी बताना कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है और हमारा भारत इस रैंकिंग में कौन से नंबर पर, ये भी आपको बताना है। और 2018 में हमारा भारत इस रैंकिंग में कौन से नंबर था, ये भी आपको बताना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें ये बतानी है आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला टेस्ट है आपका विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया। इन चारों ऑप्शन में से आपको उसका आंसर बताना है कि कब मनाया गया विश्व धरोहर दिवस, उसका थीम क्या है 2019 का, ये भी आपको बताना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है आपको इस दोनों क्वेश्चन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।